हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेविगेशन जो सेफ होता है, जिसका हम मर्चेंट शिप में यूज़ करते हैं, वो भी डे सिग्नल के रूप में, उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा सेफ होता है जिस पर हम लोग उस सेफ के मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो नेविगेशन करते हैं, वो भी डे टाइम में। नाइट टाइम में तो हम लोग नेविगेशन लाइट का यूज़ करते हैं, लेकिन डे टाइम में हम लोग नेविगेशन सेफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वो हम जानेंगे कौन कौन सा सेफ होता है और उसका लंबाई चौड़ाई लेंथ और हाइट क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, ये आपका है ब्लैक बॉल। ठीक है, ब्लैक बॉल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉल। ठीक है, देखिए, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मर्चेंट शिप होती है उसमें नेविगेशन दो तरीके से किया जाता है। एक लाइट के थ्रू किया जाता है, जो सिर्फ नाइट में होता है उसका उपयोग, और डे में जो होता है, तो डे में ब्लैक बॉल हो गया, ब्लैक कोन हो गया, ब्लैक सिलेंडर हो गया, इसका उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, तो जो आपके सामने ये शेप दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉल। जो ब्लैक बॉल आप देख रहे हैं, तो ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा नाइट सिग्नल और डे सिग्नल, तो उसमें आपको मैं अब बताऊंगा नहीं कि ब्लैक बॉल का यूज़ क्या है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ब्लैक बॉल, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉल। सिर्फ बॉल नहीं बोलना है, ब्लैक बॉल बोलना है। इसका जो डायमीटर होता है वो 0.6 मीटर होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड मेट का भी एग्जाम देने जाइएगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा। जो ये आपको ब्लैक बॉल दिखाई दे रहा है, इसका डायमीटर जो होता है इसका पूरा ये होता है 0.6 मीटर, और इसकी हाइट भी होती है 1.2 मीटर, यानी उसका रेडियस हो जाएगा 1.2 मीटर। तो ये ब्लैक बॉल हुआ। अब इसका डे सिग्नल क्या है, तो जब वेसल, अब मैं अब ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, जब वेसल एंकरेज में होती है तो ये डे सिग्नल का उपयोग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डे सिग्नल और नाइट सिग्नल में, तो बताऊंगा। फिर ये दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ब्लैक कोन। दिखाई दे रहा है आपको, एक कोन है, इसको बोलते हैं ब्लैक कोन। इसका क्या यूज़ होता है, तो इसका भी बहुत मर्चेंट शिप में बहुत ही इसका यूज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। ये ब्लैक कोन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो नीचे की जो सरफेस होता है उसकी लंबाई होती है, आपकी नीचे की जो लंबाई होती है 0.6 मीटर होती है, और जो ऊपर वाली लंबाई होती है 1.2 मीटर, याद रखिएगा। इसका रेडियस होता है 0.6 मीटर, और इसका जो लंबाई होता है 1.2 मीटर होता है, मीटर में बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन ब्लैक कौन। उसके बाद जो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ब्लैक सिलेंडर। ठीक है, ये ब्लैक सिलेंडर है, इसका जो रेडियस होता है नीचे की तरफ 0.6 मीटर होता है, और इसका जो लंबाई लेंथ होता है वो 1.2 मीटर होता है। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ब्लैक सिलेंडर। ठीक है, और जो लास्ट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसको बोलते हैं ब्लैक डायमंड। ठीक है, ये डायमंड का शेप है, इसका जो रेडियस होता है 0.6 मीटर होता है, और इसकी जो पूरी लंबाई होती है 1.2 मीटर होती है, यानी दो कोन मिलकर क्या बनाते हैं, तो एक डायमंड बनाते हैं। ठीक है, तो उसका भी 0.6 मीटर होता है, इसका भी 0.6 मीटर, तो दोनों मिलकर बन जाता है 1.2 मीटर। तो ये याद रखिएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपको दिखाई दे रहा है डे सिग्नल में, मैं वो आपको बताऊँगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो दो ऑलराउंड लाइट होती है उसके बीच कितने गैप होता है, गैप कितना मीटर का होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 मीटर का गैप होता है। लेकिन दो ब्लैक बॉल या दो कोन या कोई भी जो आपको डे सिग्नल होता है, उसमें दो ब्लैक बॉल हो गया, दो कोन हो गया, या दो डायमंड हो गया, उसके बीच कितने गैप होता है, तो उसमें होता है 1.5 मीटर। लाइट के बीच गैप होता है 2 मीटर, और बॉल या डायमंड के बीच गैप होता है 1.5 मीटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यही वीडियो थी, मैंने आपको सेप दिखा दिया। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको नेविगेशन बताऊंगा, नेविगेशन लाइट नाइट टाइम में कौन सा नेविगेशन लाइट जलाते हैं, पावर ड्रिवन वेसल के लिए क्या होता है, पायलट वेसल के लिए क्या होता है, वेसल एक ग्राउंड हो गया तो क्या होगा, वेसल एंकरेज होगा तो एंकरेज पर होगा तो क्या होगा, वेसल इज कॉन्स्टेंट बाई हर ड्राफ्ट होगा तो क्या होगा, वेसल इज रेस्टिकेटेड इन ए मैन ओवर एबिलिटी जब होगा तो उसमें क्या होगा। ठीक है, टूइंग वेसल पर क्या होगा, ट्रॉलिंग पर क्या होगा, फिशिंग वेसल पर क्या होगा, डे और नाइट सिग्नल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, और मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जेपी रेटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।